हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले कि यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन कैसे इनिशिएट होती है, फिर हम देखेंगे कि इसमें प्रोमोटर का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज कैसे बाइंड करती है और आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर फंक्शन इन डिटेल। और जैसे प्रोकैरियोट्स में ओनली आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करती है, ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं। और जब ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करेंगे, तभी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो सकती है। फिर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन डिटेल। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इस वीडियो में मैकेनिज्म स्टडी कर दोगे लास्ट में, तभी आप ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर दोगे। आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट व्हेनेवर यू विल वॉच कंप्लीट दिस वीडियो, देन यू विल क्लियर ऑल कंसेप्ट एंड यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दैट कंटेंट्स या दिस कंटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जो यूकैरियोट का जीनोम है वो सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम के अंदर पैक होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। तो और क्रोमोजोम के अंदर क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है जो डीएनए को पैक करती है। हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन और आर्जिनिन जैसे रेजिड्यू से बनती है। ये सिंबल है, सिंगल लेटर सिंबल, लाइसिन का के और आर्जिनिन का आर, इससे हिस्टोन प्रोटीन बनी होती है इन एमिनो एसिड से, और इन पे मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है फिर। और हमें पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से बना होता है, और फॉस्फोरिक एसिड में नेगेटिव चार्ज होता है और इन एमिनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज होता है। दैट्स व्हाई दे शो इंटरेक्शन ईच अदर्स, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में तभी इंटरेक्शन शो करते हैं। तो इस जब हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करनी है तो पहले इनके इंटरेक्शन को वीक करना जरूरी है। उसके लिए क्या होता है, हिस्टोन एसिटाइलेशन ट्रांसपिरेज एक एंजाइम आती है जो एसिटाइल ग्रुप को ऐड करती है हिस्टोन प्रोटीन में। एसिटाइल ग्रुप नेगेटिव चार्ज है, जब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएंगे तो जो हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज नेचर है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जब वो नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इनके बीच जो इंट्रेक्शन है वो वीक हो जाएगी और डीएनए इस फॉर्म में एक्सपोज हो जाएगा। यह है एक्सपोज रीजन। तो हमने ये एक्सपोज रीजन इस तरह दिखाया हुआ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि इनिशिएशन कैसे होगी। जो ये डीएनए में यहाँ पे बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट होते हैं, हम सिंगल ओआरआई को दिखाते हैं, और सिंगल ओआरआई में एक प्रोमोटर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। प्रोमोटर इज ए डीएनए स्ट्रेच वेयर आरएनए पॉलीमरेज कैन बाइंड एंड कैन इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक डीएनए का स्ट्रेच है, ये इसका इनिशिएटर सीक्वेंस है, दैट इज PYR2A। यहाँ से डाउनस्ट्रीम रीजन की ओर +1 +2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स होती है, और यहाँ से अपस्ट्रीम रीजन की ओर -1 -2 एंड और -25 पे टाटा बॉक्स होता है, जो कि टाटा एंड फोर टाइम ए ऑक्टेट सीक्वेंस होती है, और यहीं पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है इस तरह से। और जो ये टाटा है ये अनबाइंडिंग डोमेन भी है, क्योंकि टी और ए के बीच वीक बाइंडिंग होती है, ओनली डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है टी और ए के बीच, जबकि जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो अब देखते हैं हम प्रोमोटर या सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक बहुत सारे मतलब 10 सब यूनिट से बना होता है, 10 सब यूनिट से। इसमें से सबसे बड़ा जो यूनिट है वो है RPB1, दिस इज आवर लार्जेस्ट, और उससे जो छोटा है वो है RPB2, और बाकी के जो आपके सॉरी 12 सब यूनिट से बना होता है 12, बाकी के जो 10 सब यूनिट है वो होते हैं स्मॉलर सब यूनिट्स। तो जो RPB1 है या लार्जेस्ट सब यूनिट है, इसके पास एक CTD डोमेन होता है, और ऐसे ऐसे CTD डोमेन इसके पास 52 डोमेन होते हैं,
और एक सीटीडी डोमेन के पास एक हेप्टेट सीक्वेंस होती है। हेप्टेट मतलब सेवन एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है, लाइक टायरोसिन ये सिंगल लेटर सिंबल है, सेरीन प्रोलीन थ्रियोनीन सेरीन प्रोलीन प्रोलीन और सेरीन। तो इसका क्या रोल है वो हम देखते हैं अभी। सो अब देखते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पाए जाते हैं जब वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो गए इनिशिएशन को, फिर ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D जो कि मल्टी सबयूनिट से बना होता है। एंड एक सबयूनिट इसका दैट इज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स और अदर सबयूनिट को बोलते हैं हम टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटिंग फैक्टर्स। तो जो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ये सबसे पहले डीएनए के साथ इंटरेक्ट होता है और डीएनए में कहा माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए, माइनर ग्रुप मानो कि ये डीएनए है और यहाँ पे मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, ये माइनर ग्रुप है। तो ये जो टीबीपी है ये माइनर ग्रुप के साथ बाइंड होगी और इसको डीएनए को बेंड करेगी इस तरह 80 डिग्री तक। बेंड इसलिए करेगी ताकि जो अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो इसके साथ पोजिशन हो जाए या एसोसिएट हो जाए डीएनए के साथ। तो देखो इसने अपना काम कर दिया। फिर उसके बाद आएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। ये क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A बाइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D एंड स्टेबलाइज द इट्स इंटरेक्शन विद डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D की इंटरेक्शन डीएनए के साथ ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। ये क्या करता है, ये भी बाइंड होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के साथ और इट हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F एंड आरएनए पॉलीमरेज 2। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F प्रिवेंट्स द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू नॉन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। एंड आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे बट जब हम मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो इधर स्टेप बाय स्टेप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए के साथ कैसे बाइंड होते हैं आप मतलब एक ही बार में समझ जाओगे। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E है ये रिक्रूट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H विच इज ए लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इसके पास दो डोमेन होते हैं, एक होता है एटीपीएस डोमेन और एक होता है काइनेज डोमेन। जो ये एटीपीएस डोमेन है ये क्या करता है, ये डीएनए को मेल्ट करता है। कहां से मेल्ट करेगा, यहां से मेल्टिंग करेगा अनबाइंडिंग डोमेन से, यहां से मेल्टिंग शो करेगा ये कौन, एटीपीएस डोमेन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। और जो काइनेज डोमेन है ये फॉस्फोराइलेशन करता है सीटीडी डोमेन के फिफ्थ रेसिड्यू पे, दैट इज सेरीन। सेरीन रेसिड्यू पे ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। जिससे क्या होता है कि जो आपका नया ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग लगेगी, उसमें कैपिंग लग जाएगी 5 प्राइम एंड पे, जिससे क्या होगा वो न्यूक्लियस से साइटोसोल में एक्सपोर्ट हो सकता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H मैंने बता दिया कि जो एटीपीएस डोमेन है क्या करता है, प्रोमोटर को मेल्ट करता है या क्लियर करता है। तो अब देखते हैं मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म के बाद पूरा प्रोसेस जो है इजीली फील कर सकते हैं। तो इट्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज एलोकेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि आप देख रहे हो ये प्रोमोटर सीक्वेंस है, यहां से इस साइड आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है और आगे जो स्ट्रक्चरल जीन है और पॉज बटन है। पॉज बटन मतलब कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट होती है कुछ समय के लिए। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले एंटर कौन करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का टाटा बाइंडिंग प्रोटीन ये एंटर करेगा और टाटा बॉक्स के साथ बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा सेकंड नंबर पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2A। देखो ये यहाँ पे आ गया, ये क्या करेगा, यहाँ पे
किनके इंफेक्शन को स्टेबलाइज करेगा, किनके, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और डीएनए के। फिर उसके बाद आएगा 2B, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B। ये क्या करेगा कि ये रिक्रूट करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F और आरएनए पॉलीमरेज 2 को, आरएनए पॉलीमरेज 2 को और F को। जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F है, ये इसका एक ट्रू फ्रेंड है, किसका, आरएनए पॉलीमरेज का ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि ये जो है थ्रू आउट द प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड रहता है। इवन जब एलोकेशन होती है तो सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो डिसोसिएट हो जाते हैं, और जो ये एफ है ये फिर भी इसके साथ बाइंड रहता है। तो उसके बाद रिक्रूट होगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2E और ये रिक्रूट कराएगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H, और फिर इसके बाद ये अपनी अपनी एक्टिविटी करेगा। पहली एक्टिविटी क्या है इसकी, एटीपीएस डोमेन, मतलब कि प्रोमोटर को मेल्ट करेगा। सेकंड क्या है, फॉस्फोराइलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को याद रखने में शायद प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या आता है, डी, उसके बाद ए, फिर बी, फिर उसके बाद क्या आता है, एफ, फिर उसके बाद ई, फिर एच। स्टूडेंट्स, मेरा तरीका क्या है याद करने का कि ड्यूरिंग माय एमएससी हरीश नाम का लड़का एक मेरा रूममेट होता था, तो मैंने इससे याद रखा था कि हरीश ई फालतू है। फालतू है मतलब एक कैसा इंसान है, बैड, वैसे एक्चुअल में नहीं है, अच्छा इंसान है, बट याद करने का तरीका था मेरा कि हरीश ई फालतू है और बैड। और यही सीरीज यहाँ से इसकी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एंटर होने की है। और इसका मेन पॉइंट क्या है कि वो हरीश जो है हट्टा कट्टा आदमी था, मोटा इंसान है मतलब। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच जो है वो लार्जेस्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा है, तो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। तो ये क्या करेगा अपनी एक्टिविटी, अरे ये प्रोमोटर को मेल्ट करेगा। देखो इसने मेल्ट किया, यहाँ से देखो इस तरह से मेल्टिंग शो कर दी और यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया। फिर उसके बाद क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन करेगा, जिससे क्या होगा कि 5' एंड पे कैपिंग आ जाएगी, और कैपिंग से मतलब जो है एमआरएनए को प्रोटेक्ट कर देगा डिग्रेड होने से, क्योंकि यहाँ पे जब ये एमआरएनए साइटोसोल में आएगा, साइटोसोल में बहुत सारी आरएनएज एंजाइम पाई जाती है, निम्बलेज एंजाइम पाई जाती है जो कि डिग्रेड करती है एमआरएनए को, तो जो ये कैपिंग है ये प्रोटेक्ट करती है इस एमआरएनए को। और ये कैपिंग कैसे लगी, बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एलोंगेशन, एलोंगेशन जैसे ही यहाँ से ये क्या बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज आगे जाती है टुवर्ड्स पॉज बटन, तो यहाँ पे एक पॉज बटन लगता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगी, यहाँ पे इनहिबिट हो गई। फिर क्या होगा कि यहाँ से अगला स्टेप यहाँ पे ये है, एक पॉजिटिव ट्रांसक्रिप्शन एलोंगेशन फैक्टर बी आएगा जो फॉस्फोराइलेट करेगा पॉज फैक्टर को। जैसे ही पॉज फैक्टर फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, फिर ये भी डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ देखो एलोंगेशन के टाइम ये बाकी सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, ओनली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ है वो इसके साथ बाइंड रहा। तो देखो यहाँ से पॉज फैक्टर रिमूव हो गया, तो फर्दर एलोंगेशन होगी, और यहाँ पे एक एंटर हुआ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, जिसके पास बैक ट्रैकिंग एक्टिविटी है, मतलब कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गलत बाइंडिंग करता है तो उसको ये सही बाइंड करता है, मतलब अगर ए जो है वो जी के साथ बाइंड करेगा और टी जो है वो सी के साथ बाइंड करेगा, तो उसको ठीक बाइंडिंग कराएगा, ए को टी के साथ, जी को सी के साथ, कौन, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S। तो इस तरह एलोकेशन चलती रहेगी। फिर होगी टर्मिनेशन, एक्चुअल में साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर पाए कि एक्चुअल टर्मिनेशन कैसे करता है यूकैरियोट्स के केस में, बट फिर उन्होंने बताया हुआ है कि जब सीटीटी डोमेन का सेरीन रेसिड्यू जो है वो डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, तो वहां पे जो है टर्मिनेशन हो जाएगी यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन की। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। मैंने ऑलरेडी
डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स और ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पे वीडियो बना दिए, मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये कॉन्टेंट सही लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू।